हेलो फ्रेंड, फिर से हम अपने चैनल में आप सबों का स्वागत करते हैं। जय हिंद दोस्तों। ये वीडियो जो मैं बता रहा हूँ ये नौका बिहार का है। गोरखपुर में अगर घूमना है शाम के समय तो आइए नौका बिहार। ये नौका बिहार काफ़ी ही अच्छा जगह है जो आप फैमिली के साथ घूम सकते हैं, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को ले कर आ सकते हैं। यहाँ पे ये एक झील के किनारे पे बसा हुआ है नौका की बिहार। यहाँ पे बहुत बड़े बोट शिप दिखते हैं। देखिए ये जो दिख रहा है पानी में उपकरण, ये होता है यहाँ पे वाटर शो। लगभग 8:30 के करीब में यहाँ पे वाटर शो होता है। वाटर का स्क्रीन रहेगा पानी का और उस पर वीडियो चलेगा। गोरखपुर के बारे में बताएगा, चोरी चौरा इंसिडेंट बताएगा, बहुत सारे जगह। और छोटे छोटे बच्चों के घूमने के लिए यहाँ पे छोटा कार है और बड़े लोगों के लिए भी घूमने के लिए क्रूज लगा हुआ है। दो पनिया जहाज है, बड़ा बड़ा शिप है, तो मैं उसको जूम करके दिखाता हूँ और उसके नज़दीक भी जाकर दिखाऊंगा। तो जो दो क्रूज है उसको दिखाऊंगा, उससे पहले मैं अपने तिरंगे झंडे को दिखाऊंगा। तो देखिए ये पेड़ के बीचों बीच दिख रहा है, अब हम चलेंगे क्लियरली दिखाएंगे आपको। ये है अपना तिरंगा। मेरे ख्याल से ये गोरखपुर का सबसे लंबा ध्वज है और इसका ऊंचाई बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है। और इसका उद्घाटन रवि किशन ने किया थे, यहाँ के सांसद हैं, माननीय सांसद जी हैं। यहाँ पे जो नौका बिहार है आसपास छोटे छोटे दुकानें भी हैं, खाने पीने के भी व्यवस्था है। यहाँ का कुल्फी बहुत मशहूर है। तो आइए नौका बिहार, खुद आइए और अपने बच्चों को लेके आइए। देखिए जो ये सामने दिख रहा है ये क्रूज, ये बोट, ये मूवेबल नहीं है, ये फिक्स है, एक जगह स्थिर है। और इस पर एक रेस्टोरेंट बनाया हुआ है इधर। यहाँ पे टिकटिंग काउंटर है, टिकट कटाकर अंदर जाना होता है। और अंदर एक बार टाइप का भी है और रेस्टोरेंट टाइप का, जो आपको खाना है मेन्यू देगा, उसमें से ऑर्डर कीजिए और अपने पार्टी भी एंजॉय कीजिए, पार्टी भी कर सकते हैं। हालांकि इस रेस्टोरेंट में जाने से पहले यहाँ पे बाउंसर भी रहते हैं, गेट के पास दो बाउंसर लगा रखे हैं, कोई होल्डिंग नहीं लगाएं। तो ये पीछे से ये रेस्टोरेंट ऐसा दिखता है और लाइट जब बंद हो जाएगा तो ऐसा दिखेगा। तो इसका कलर चेंज होते रहता है क्योंकि इसमें लाइटनिंग इफेक्ट बहुत ही शानदार डाला हुआ है। और देखिए आपको रेस्टोरेंट में अंदर दिखा रहा हूँ। के बगल में एक दूसरा क्रूज है, इसको लेक क्वीन के नाम से जाना जाता है। ये चारों तरफ घूमता है, इसमें भी रेस्टोरेंट है। इसका टिकट अलग से लगता है, इसको बुक कीजिए और पानी में घूमिए और एंजॉय कीजिए। तो बहुत ही अच्छा जगह है गोरखपुर, बहुत ही अच्छा जगह बन। आइए अपने फैमिली को लेकर, अपने बच्चों को लेकर एंजॉय कीजिए। यहाँ पे रंग बिरंग के खिलौने पड़े रहते हैं और बच्चे को खेलने के साधन रहता है। और यहाँ पे एक बड़ा होर्डिंग्स लगा हुआ है, आई लव गोरखपुर। ये मैं पीछे से व्यू लिया हूँ, जस्ट मैं आपको आगे से भी दिखाऊंगा कि कितना प्यारा दिखता है आगे से। देखिए गोरखपुर ये दिख रहा है और आई लव दिख रहा है, आई लव गोरखपुर दिख रहा है। और यहाँ पे बात ये है कि इसके ऊपर लोग चढ़ जाते हैं, सबसे बड़ी कमियाँ है लोगों में। अगर उसको बचा कर रखेंगे तो हमारे लिए सुंदरता में काम आएगी। और वहाँ का जो रात में जो पानी का व्यू था वो ग्रीनरीज दिख रहा था। और ये देखिए द लेक क्वीन, ये शिप है, इस पर रेस्टोरेंट बना हुआ है। तो ये भी काफ़ी शानदार है।
इसके अभी अंडर डीजे है, डिस्प्ले बड़ा सा लगा हुआ है, फूड कोर्ट भी है यहाँ पे, तो आप इंजॉय कर सकते हैं। बेसिकली आप 1 जनवरी को इंजॉय कीजिए, 15 अगस्त को, 2 अक्टूबर को, जब भी हॉलीडे है आपका तो इंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छा जगह है गोरखपुर, पहले से बहुत ही बेहतर हो गया है, या सेफ्टी के मामले में, सिक्योरिटी के मामले में, या खान पान के मामले में, या साफ सफाई के मामले में। यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ पे जो गवर्निंग पर्सन है, बहुत अच्छे ढंग से इसको चला रहे हैं। तो गोरखपुर में आप जब एंट्री करते हैं, बिंदास रहिए, हमेशा एंजॉय करते रहिए, और आइए गोरखपुर, नौका विहार घूमिए, बहुत अच्छा जगह है नौका विहार। मेरे ख्याल से लाइट का रिपेयर हो रहा है जो बोट में है, शिप का। दूसरे साइड से मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ लेक क्वीन का। यहाँ पे पार्किंग के साइड ताल बाज़ार है, तो जब गोरखपुर नौका विहार आ रहे हैं तो ताल बाज़ार घूमना ना भूले। यहाँ पे बच्चों के इंजॉयमेंट के लिए पूरा व्यवस्था है। यहाँ पे एक स्पोर्ट्स सेंटर बना हुआ है, जो एक आपको एटीएम कार्ड की तरह मिलेगा, उसको रिचार्ज कराइए और तरह तरह के गेम खेलिए। तो मैंने अपने बच्चे को लाया इसमें और मेरे बच्चे इंजॉय किए। मेरी बच्ची यहाँ पे खड़ा हुई, बोली कि पापा एक फ़ोटो खींच देते हैं, शायद वो ताल बजा जो लिखा हुआ था वो गर्म था, तो उसने हाथ उठाया। बहुत क्लेवर है बच्चा, आजकल के बच्चे बहुत ही होशियार और समझदार हैं। तो आइए हम गेम शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं, सुनिए और गेम का इंजॉयमेंट मज़ा लीजिए। तो हमारे वीडियो को देखते रहिए और गेम को भी देखिए। तो हम लोग गेम सेंटर में आए और हम लोग कार्ड लेकर रिचार्ज कराए। वहाँ पे एक कार ड्राइविंग था, कार रेस था, तो उसको हम लोगों ने ड्राइव किया स्टार्ट करके, काफ़ी इन्जॉयमेंट हुआ था। तो इसमें दिखाना बचाना था, और हम लोग बार बार लड़ जा रहे थे, बचा के लड़ जा रहे थे। हालांकि इसमें एक लिमिटेड टाइम रहता है कि अगर विदिन दैट टाइम अगर आप टारगेट को पहुंच जा रहे हैं फिनिश पॉइंट पे, तो फिर आपको 1 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा, फिर आप उसको कंप्लीट कर रहे हैं तो फिर 1 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे ड्राइव कर रहे हैं। देखिए मैंने भी, मैं और अपनी बेटी के साथ मिलकर ड्राइव किया, कहीं कहीं टकरा जाता था, जैसे टकराता था स्पीड कम हो जाता था, इसमें टाइम चला जाता था, पर हम लोग इंजॉय किए, जितना ही गेम खेले इसमें इंजॉय किए। फिर हम अगला गेम बताएंगे कि अगला हम लोग क्या गेम खेला था। और बहुत ही प्यारा जगह है कि बच्चों को लाइए, अपने बच्चे को लाइए और इंजॉय कीजिए। देखिए बहुत ही खुश हो रही है मेरी बच्ची खेल कर, गेम सब धुआं और गर्दा उड़ा दे रही है। We'll be right back.
तो दोस्तों वीडियो को देखते रहिए और अच्छा लगेगा आपको आगे भी, बहुत अच्छा अच्छा तरीके से।